अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। डियर गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बेटा एडवर्ब पढ़ रहे थे, और एडवर्ब मैंने आपको, मैं यहाँ रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ, एडवर्ब क्या करते हैं बेटे, एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन, इसकी क्वालिटी को नहीं बताता, इसकी क्वालिटी को बेटे एडजेक्टिव बताता है। क्लियर? मैंने कहा था बेटे एडवर्ब जो होते हैं वो क्या करते हैं, एडवर्ब बेटे वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं बेटे, और एनदर एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई करते हैं बेटे। इसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब जो है रेस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, बेटे इनको भी ये मॉडिफाई करता है। एडवर्ब मॉडिफाइज नॉट ओनली वर्ब एडजेक्टिव, नॉट ओनली अनदर एडवर्ब, बट ऑल्सो इट मॉडिफाइज रेस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। बेटे इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर योर सेंटेंस इज बिगिनिंग विथ एडवर्ब, कोई वाक्य जब एडवर्ब से शुरू होता है बेटे, तो एडवर्ब से बिगिन करने वाले सेंटेंस के बाद ऑक्सिलरी आती है। क्या आती है बेटा? ऑक्सिलरी वर्ब आती है, देन यू पुट योर सब्जेक्ट। क्लियर? योर वर्ब विच इज ऑफन पुट हियर, your verb which is often put here must be put here, why? Because your sentence is beginning with adverb. जब आपका sentence adverb से शुरू हो रहा है तो बेटे आपका जो verb है, auxiliary verb है, वो subject के पहले आप रखते हो, और इसको आप कहते हो inversion. इन्वर्जन बेटा, ये इन्वर्जन है किसका? इन्वर्जन ऑफ वर्ब, ये वर्ब का इन्वर्जन है बेटे, ये इन्वर्जन वर्ब का है, इन्वर्जन ऑफ वर्ब। तो बेटे इन्वर्जन ऑफ वर्ब आप कब करते हो? जब आपका सेंटेंस वो एडवर्ब से बिगिन होता है। क्लियर? यस, मैंने एग्जाम्पल पे बताया था आपको, कई एग्जाम्पल में बताया था, सेल्डम ही विजिट्स हिज parents. Are you finding any mistake in this example? Yeah. बेटे seldom adverb है, और अगर seldom adverb है और he बेटे subject है, तो visit बेटा actually structure visit का है, does और verb की first form. तो you just take out your does out of visit and you will put here. So your sentence will be correct when you put
your does here, seldom does he, then you have only first form remaining here, visit his parents. बेटे नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जब आप कभी बेटे आप एल्स यूज़ करो, जब आप कभी एल्स यूज़ करो, एल्स यूज़ करो बेटे, तो एल्स के साथ बट आप हमेशा पेयर में यूज़ करेंगे। और बेटा मेरे कहा था अगर आप अदर यूज़ कर रहे हो, अगर आप अदरवाइज यूज़ कर रहे हो, तो आप बेटे धैन का यूज़ करोगे। ये कुछ बेसिक रूल मैंने आपको लास्ट टाइम बेटे बताए था, आपको वो याद होंगे। और बेटा ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। आज बेटा इसके आगे हम लोग चलते हैं, क्या और कैसे, लेट्स फाइंड आउट। बेटे एडवर्ब के और भी रूल्स हैं, हम लोग यहाँ पे उन्हें देखते हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं उन्हें देखते हैं। याद रखे बच्चों, मैंने कहा था कि नेगेटिव एडवर्ब शुड नॉट बी यूज्ड विथ नेगेटिव वर्ड्स। बेटे नेगेटिव एडवर्ब को नेगेटिव वर्ड के साथ यूज नहीं करना चाहिए। नेगेटिव एडवर्ब शुड नॉट बी यूज्ड विथ नेगेटिव वर्ड्स। क्यों? अगर एडवर्ब बेटे नेगेटिव होगा और आपका नेगेटिव वर्ड होगा, तो ओवरऑल सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग का हो जाएगा और आपका जो नेगेशन है वो वॉयलेट कर जाएगा। इसको बेटे एग्जाम्पल में हम देखते हैं। I rarely went to meet nobody across the road। बेटे rarely इज negative adverb। और बेटे nobody इज अ नेगेटिव वर्ड। एक साथ इन दोनों का यूज प्रोहिबिटेड है, नहीं करना चाहिए। बेटे आपको क्या होगा कि यहाँ पर बेटे अब नेगेटिव वर्ड की जगह आपको पॉजिटिव वर्ड डालना पड़ेगा, आपको अफर्मेटिव वर्ड डालना पड़ेगा। यू विल हैव टू राइट हियर एनीबडी। नाउ योर सेंटेंस इज करेक्ट। I rarely went to meet anybody across the road. In place of writing, I rarely went to meet nobody across the road. Why? Rarely is already negative adverb. And again you are using negative word nobody. So with negative adverb, if you are negative word, so your sentence automatically becomes positive. But your intention is not to make your sentence into positive. So please change your negative word into positive meaning. So I have done
आई हैव चेंज नोबडी इनटू एनीबडी, नाउ योर सेंटेंस इज करेक्ट। अब बेटे जाके आपका सेंटेंस शुद्ध हुआ, करेक्ट हुआ, सही हुआ। एक और सेंटेंस बेटे देख लेते हैं, फिर वी शुड गो फॉर द वेरी नेक्स्ट रूल। आई हार्डली नो, आई हार्डली नो somebody, somebody in the city. Again, if you check this sentence, you will find hardly. Hardly is actually adverb, an adverb meaning negative. यानी hardly बेटे negative adverb है. और then I have written somebody. Somebody is also negative word. So in place of somebody, you will make your word into positive, and then you will have to write anybody in place of somebody. Now your sentence automatically becomes correct. I hardly know anybody in the city. तो बेटे याद रखिएगा कि with negative word, with negative adverb, negative words must not be used. बेटे अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ शब्दों को हम लोग चलो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, कुछ शब्दों का हम लोग विवेचन करते हैं, हम सोचते क्या हैं और वो होते क्या हैं। बेटे जनरली हम सोचते हैं बेटे क्या कि ऐसे वर्ड, दोज वर्ड्स ending with ly, ily must be, should be adverbs. है ना बच्चों, हम generally सोचते हैं ऐसे शब्द जो ly या ily पे एंडिंग होते हैं, समाप्त होते हैं, उन्हें हम एडवर्ब मानते हैं। लेकिन ये बेटा ये एक जनरल चीज है, मगर ये मैंडेटरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। क्यों, आइए देखते हैं बेटे। Manly, then masterly, next monthly, next weekly, further sickly, friendly, next orderly। बेटे ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये these are adjectives not adverbs। ध्यान दीजिएगा बच्चों, be very cautious, ये adverb नहीं है, ये adjective है। Although they are ending with ly or ily, most of them are ending with ly, but in spite of this they are not adverbs, these are adjectives। नेक्स्ट बच्चों, इसी तरह से हम कुछ और चीजें देखते हैं बच्चों। कावर्ड कमी का मीन्स क्या होता है बेटा, कायर, कावर्ड।
उसके बाद बच्चों माइज़र, देन माइज़र के बाद निगार्ड। बेटे ये जो है ये एडजेक्टिव्स नहीं है, दीज आर नाउन्स। कावट, माइज़र, निगार्ड, दीज आर नाउन्स, दीज आर नॉट एडजेक्टिव्स। लेकिन बच्चों अगर हम इसको ऐसे बना दें, कावर्डली, माइजरली, निगार्डली, देन दे ऑटोमेटिकली आर ट्रांसफॉर्म्ड, ऑटोमेटिकली आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एडजेक्टिव्स। अब बेटे ये एडजेक्टिव बन गए, है ना खास बात। बेटे याद रखें, कावर्ड, माइज़र, निगार्ड, दीज आर ओनली नाउन्स। सो डोंट गेट इन कंफ्यूजन दैट दे आर एडजेक्टिव्स। दे मे बिकम एडजेक्टिव इफ यू ऑटोमेटिकली एड एल वाई आफ्टर देम। कावर्ड, कावर्डली, माइज़र, माइज़रली, निगार्ड, निगार्ड, निगार्डली, दीज आर एडजेक्टिव। सो वेरी कॉशियस इफ दे आर नाउन और एडजेक्टिव्स। दीज वर्ड्स मे बी चेंज ऑल्सो इन एडवर्ब्स। कैसे बेटे? बेटे अभी इनमें एल वाई एल वाई एल वाई लगा है, आम इंसान कोई भी इन्हें समझेगा अरे ये तो एडवर्ब है। नहीं, दे मे बी चेंज इन टू एडवर्ब्स। हाउ इन वॉट वे? दीज वर नाउन्स, देन यू हैव एडेड एल वाई आफ्टर देम एंड यू हैव मेड देम एडजेक्टिव्स। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एडवर्ब्स। इफ यू हैव टू फाइंड आउट एडवर्ब्स, यू विल हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस इन देम। वट काइंड ऑफ चेंजेस? बेटे कावर्डली, इन अ कावर्डली, इन अ कावर्डली, इन अ कावर्डली मैनर, दिस इज एडवर्ब। माइजरली, माइजरली, इन अ माइजरली मैनर, दिस इज अगेन एडवर्ब। बेटे नेक्स्ट, इन अ निगार्डली मैनर। बेटे बहुत कंफ्यूजन होता है, मोस्ट ऑफ यू गेट फाइंड योर सेल्फ इन कंफ्यूजन व्हेन यू आर फाइंडिंग दीज वर्ब्स विच वर अर्लियर नाउन्स एंड यू ऑफन इंटरप्रेट देम इनटू एडजेक्टिव। इफ यू इंटरप्रेट देम एडजेक्टिव, यू डोंट फाइंड एल वाई और एनी अदर वर्ड। वेयर एज इफ यू आर एडिंग एल वाई आफ्टर दीज नाउन्स, देन यू फाइंड योर एडजेक्टिव्स। डियर गाइस, मैं बता रहा था आपको कि कुछ बेसिकली ऐसे वर्ड्स हमारे होते हैं जिन्हें आप ऑफन कन्फ्यूज्ड होते हो कि दे दोस वर्ड्स आर एक्चुअली एडजेक्टिव्स। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव प्रोवाइडेड यू थ्री वर्ड्स, कावर्ड, माइज़र, निगार्ड। दीज आर नाउन्स एंड इन ऑर्डर टू मेक दम एडजेक्टिव्स यू विल हैव टू एड एल वाई एल वाई एल वाई आफ्टर दीज वर्ड्स। सो कावर्डली, माइजरली, निगार्डली आर एडजेक्टिव्स। ऑटोमेटिकली यू मस्ट बी इन ग्रेट इन डेंस थॉट दैट एल वाई एल वाई एल वाई वेदर दे आर एडवर्ब और दे आर एडजेक्टिव्स। नो, दे आर एडजेक्टिव्स। इन ऑर्डर टू मेक एडवर्ब यू विल हैव टू ब्रिंग लिटिल बिट ऑफ चेंज इन देम। क्या किया बेटा? इन अ कावर्डली मैनर कर दिया, माइजरली को इन अ माइजरली मैनर कर दिया, निगार्डली को बेटा इन अ निगार्डली मैनर कर दिया।
याद रखेंगे बेटे, इनसे एडवर्ब ऐसे हम बनाएंगे। कुछ और शब्द हैं बेटा, उसे लेट्स फाइंड आउट दोज वर्ड्स एंड व्हाट रूल्स आर एक्चुअली अप्लाइड बिहाइंड ऑल दोज वर्ड्स, लेट्स फाइंड आउट। आइए देखा जाए बेटे। तो बेटा उसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, सम वर्ड्स लाइक, कुछ ऐसे शब्द हैं बेटे जैसे, कौन से, फास्ट, स्ट्रेट, देन आउटराइट, नेक्स्ट डायरेक्ट, देन हार्ड, हार्डली, हार्डली, लाइट, हाई, नेक्स्ट सेफ, क्वाइट, क्वाइट। बेटे ये सम वर्ड्स लाइक फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, हार्डली, लाइट, हाई, सेफ, क्वाइट एटसेट्रा आर बोथ adjectives and adverbs। बेटे ये कुछ ऐसे शब्द मैंने खास खास आपको प्रस्तुत किए हैं। आई हैव प्रेजेंटेड लिटिल बिट ऑफ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स। ये बेटे एडजेक्टिव भी हैं, ये बेटे एडवर्ब भी हैं। याद रखेंगे बेटे, दे मे बी एडवर्ब्स, दे मे बी एडजेक्टिव्स। ये शब्द एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ये एडवर्ब भी हो सकते हैं बेटे। और लेकिन जब हमें इनको ये फाइंड आउट होना है, ये करना है कि ये क्या है पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो बेटे आपको सेंटेंस की मीनिंग, सेंटेंस में इनका यूज समझना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट मीनिंग यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू गो थ्रू into very deep of the meaning of that sentence or the use of that sentence। उस वाक्य में कितना इनका कैसा यूज हुआ है वो आपको समझना पड़ेगा बेटे। नेक्स्ट अगली बात आते हैं बेटे, इसी तरह से अब आप ले लो बेटे लेट, लेटली, इनका डिफरेंट यूज हो सकता है बेटे। लेट जो है वो क्या है बच्चों, लेट एक्चुअली एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेट एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन लेटली बेटे, लेटली केवल 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 ये क्या है बच्चों, एडवर्ब है। बच्चों लेट एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, लेटली एडवर्ब है, बी कॉशियस। यस नेक्स्ट बेटे, एडवर्ब्स जानने के लिए हमें एडजेक्टिव डीप पढ़नी थी और एडजेक्टिव डीप पढ़ने पर हमें कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पे कंपेयर करके आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों। अब चलते हैं द यूज ऑफ वेरी। बेटे हम वेरी कहाँ यूज करें, यूज ऑफ वेरी मच, अक्सर हम वेरी का यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं, सो का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं बेटे, और इनफ का यूज करते हैं और
रैदर का यूज करते हैं। लेकिन बच्चों इनका यूज हम कहां कैसे करते हैं, आइए हम इस पे बात करते हैं। लेट अस डिस्कस वेयर वी हैव टू यूज देम इंडिविजुअली एंड पर्टिकुलरली। इनका कहां कहां इस्तेमाल बेटे हम कर सकते हैं, आइए इनकी बात अलग अलग कर लेते हैं। कौन कौन से शब्द हैं बेटे? वेरी, मच, सो, टू, इनफ, रैदर। आइए बेटे सबसे पहली बात यूज ऑफ वेरी। वेरी का यूज बेटे कब किया जाए, कब किया जाए वेरी का यूज? तो बेटे वेरी यूज ऑफ वेरी, सॉरी बेग अ पर्डन प्लीज, वेरी, वेरी का यूज बेटे क्या करते हैं? वेरी इज यूज्ड मोस्टली इन प्रेजेंट पार्टिसिपल। वेरी का यूज बेटे प्रेजेंट पार्टिसिपल में ज्यादातर करते हैं, और बेटे प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब करते हैं एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। बेटे वेरी का यूज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, एडवर्ब के रूप में करते हैं, और इसकी बात बेटा, और फिर इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री, याद रखेंगे बेटे, इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री। बेटे वेरी के यूज के बारे में दो बातें बताई कि ज्यादातर प्रेजेंट पार्टिसिपल में, बेटे प्रेजेंट पार्टिसिपल आप जानोगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का एडिशन, और दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेटे प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है बच्चों कंटिन्यूअस कंडीशन। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स कंटिन्यूअस कंडीशन, और ये फॉर्म कैसे होते हैं बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के एडिशन से। ये काम क्या करता है बच्चों? एडजेक्टिव का, और ये काम क्या करता है बच्चों? एडवर्ब का। और इसके साथ वेरी लगाते हो, और एक और बात और है बेटे, वेरी का प्रयोग आप तब भी करते हो जब सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो। बेटे यस वी मस्ट सी दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।